नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ किचन की फंडामेंटल कुकिंग टर्म्स के बारे में। आप लोग कई बार अक्सर ऐसे शब्द सुनते होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही अनकॉमन होते हैं। अनकॉमन से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड जो कि शेफ लोग ही यूज़ करते हैं, पर जब हम नॉर्मल भाषा में उन्हें सुनते हैं तो हमें समझ नहीं आता है। उसमें से कुछ लगभग 6-7 शब्द मैं आज इस वीडियो में लेने वाला हूँ, ताकि आपको एक्चुअल में उनका जो मतलब होता है या जो भी वो काम कर रहे होते हैं उनके बारे में पता चल पाए। जो सबसे पहली कुकिंग टर्म ले रहा हूँ वो है मेरी पेयरिंग। पेयरिंग आप लोगों ने सुना होगा, इवन आप लोगों ने सुना होगा पेयरिंग नाइफ, एक छोटा सा नाइफ होता है जिससे कि हम लोग प्याज वगैरह छीलते हैं। अब जो ये पेयरिंग जो टर्म है उसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी वेजिटेबल, मेनली ऐसी वेजिटेबल जो कि हमारी राउंड है, जैसे हमारे ऑरेंजेस हो गया, एप्पल हो गया या टमाटो हो गया। अब ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जिनको कि हम लोग सर्कुलर मोशन में छिल सकते हैं, उनके छिलके को हम लोग गोल गोल करके निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटा नाइफ इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम सही नाइफ हम बोलेंगे यहाँ पे। तो इस टर्म को जिसमें कि हम किसी वेजिटेबल या फ्रूट्स के छिलके सर्कुलर मोशंस में निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेयरिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट कुकिंग टर्म है वो है मेरा सीविंग। सीविंग से सिंपल, एकदम सिंपल है। यहाँ पे हम लोग छानने की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आटा छानते हैं, मैदा छानते हैं, या फिर हम लोग किसी भी प्रकार की, अगर आप स्ट्रेनर देखे होंगे, आपने चाय की छन्नी होती है, हमारे चिनोज होते हैं, कॉनिकल स्ट्रेनर होते हैं, यहाँ से आप जो भी कुछ छान रहे हैं, चाहे आप स्टॉक छान रहे हैं, चाहे आप आटा मैदा छान रहे हैं, तो इस वाली प्रक्रिया को, इसको हम लोग किचन में हम लोग सीविंग कहते हैं। छानने की प्रक्रिया सीविंग कहलाती है। तीसरा यहाँ पे है हमारा स्किमिंग। स्किमिंग से मेरा मतलब है कि आप जब भी कोई भी चीज़ बॉईल कर रहे हैं या कुछ भी चीज़, स्पेशली जहाँ पे आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखेंगे कुछ ना कुछ झाग आपके खाने के ऊपर आके बैठ जाता है। अब जो ये झाग होता है, ये एक तरीके से इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि आपके खाने के टेस्ट को, आपके खाने के फ्लेवर को और आपके खाने के कलर को बिल्कुल ही ख़राब कर देती है। तो आपको इस फैट को या इस चीज़ को अपने खाने से निकालना पड़ता है। और एक सिंपल, अगर एक सिंपल शब्द में बोलें तो हम बोलते हैं स्किम कर दीजिए आप इन सब चीज़ों को, तो आप प्रॉपरली उसको वहाँ से हटा देते हैं किसी चम्मच की सहायता से, किसी स्ट्रेनर की सहायता से या किसी और तरीके से। तो जो ये प्रक्रिया है हम इसको स्किमिंग बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग से मेरा मतलब है, या रिडक्शन भी आप लोग इसे कह सकते हैं, किसी भी एक लिक्विड पदार्थ को काफ़ी समय तक पकाना ताकि उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए, पर जो उसका टेस्ट है, जो उसका फ्लेवर है वो सेम वैसे रहे और वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। जैसे कि हम लोग बनाते हैं बाल्समिक रिडक्शन, आपने देखा होगा अगर बाल्समिक विनेगर, तो बहुत ही लिक्विड होता है, पर जब हम उसको लंबे समय तक सिंपल धीरे धीरे आँच पे गर्म करते हैं तो एक तरीके से वो सिरप जैसा बन जाता है, वो और मीठा हो जाता है, पर वहीं जो उसका टेक्सचर है वो बिल्कुल सिरप जैसा हो जाता है। यहाँ पे फिर उसका उपयोग हम लोग सैलेड्स में भी करते हैं, हम लोग उसका प्रयोग गार्निश के लिए भी करते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब यही कि उस आइटम को हम लोग मात्रा कम कर लेते हैं पर उसके जो टेस्ट है उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम लोग रेड वाइन या वाइट वाइन का यूज़ करते हैं, हम वाइन को रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि हमें मालूम है अगर हम कोई खाना बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ अगर वाइन डाल देंगे तो उस खाने का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, पर वहीं जो उसका टेक्सचर है वो बिगड़ जाएगा और जो अपने खाना आपका है वो ख़राब हो जाएगा। पर वहीं अगर हम लोग वाइन को रिड्यूस करके डालते हैं तो खाने का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा पर उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, खाना आपका अच्छा रहेगा और ज़्यादा खाने में टेस्टी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा म्यूनिस, जहाँ पे हम दो डिफरेंट नेचर की इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा एग और ऑयल। अगर सिंपल, अगर आप एग और ऑयल को मिलाने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी मिल नहीं पाएंगे। आप सिंपल ट्राई भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा एक एग योक लेके थोड़ा सा उसमें तेल डाल के उसे आपस में मिक्स करके देखिए, वो बहुत ही फट जाएगा, या जिस तरीके से हम लोग वॉमिटिंग उल्टी करते हैं इस तरीके से दिखने लगेगा। पर वहीं जब हम लोग एक अच्छी तरीके से एक प्रॉपर कुकिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो इमल्सिफिकेशन होता है और एक वो म्यूनिस का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को, जहाँ पे हम दो डिफरेंट नेचर के इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा इमल्सिफिकेशन कहलाता है। सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सीलिंग। सीलिंग एक शब्द है जिसका कि प्रयोग हम लोग चिकन, फिश, मटन या कोई भी ऐसे प्रोटीन के आइटम को
कुक करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम उस पीस को पहले अच्छे से मैरिनेट करते हैं और उसे बहुत ही हाई फ्लेम पे एक स्किन साइड से हम लोग सबसे पहले कुक करते हैं। उससे होता क्या है, जो भी लेयर होती है हमारे चिकन फिश के पीस पे, वो जब एक लेयर जैसी बन जाती है, जिसके के कारण जो भी जूसेस होते हैं उस टुकड़े में मीट के पीस में वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। सेम फिर हम दूसरी तरीके से भी ऐसी करते हैं और फिर उसको सिंपल स्लो फायर पे आराम से कुक करते हैं। तो जो ये प्रक्रिया है इसे हम लोग सीलिंग कहते हैं। मेनली हम लोग नॉनवेज में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल टेक्निक्स के जो शब्द थे या किचन फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए, जिनको कि आपको हो सकता है आपको मालूम हो सकता है आपको मालूम भी ना हो। अगर नहीं मालूम है तो प्लीज़ इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किचन में हो। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या नीचे लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।